ओ यो बे डूड्स, तो कैसे हो तुम लोग। तो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, क्योंकि आज हम लोग बेबी बर्ड्स पार्किंग के एक विलन जिसका नाम है लेन वलहाला। आप लोग तो उसके जानते ही होंगे क्योंकि वो लेन वलहाला है। अब लेन वलहाला के बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसका एक न्यू बेबी रिवील हो गया है, और मतलब वो न्यू बेबलेट इवॉल्व करने वाला है। वो कैसे, मतलब कैसे इवॉल्व करेगा, क्या उसको कोई तोड़ने वाला है या फिर क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और हाँ, दूसरी बात ये रही कि मतलब मैं थोड़ा सा अपना समरी बताऊंगा कि यार कैसे इवॉल्व हो सकता है, तो ये मेरी थ्योरी हो सकती है। तो हाँ, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाँ, पहले हम लोग बात करते हैं न्यू लूसीफर के बारे में, यानी कि लेन वाला का न्यू बेबलेट जिसे रिवील कर दिया गया है। तो मैं इसका नाम बता देता हूँ, तो जिसका नाम है लूसीफर डी एन नाम से मेरा एक दोस्त भी था जिससे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अभी, बट ये बात अभी नहीं है। तो लूसीफर डी एन जिसका नाम है लूसीफर डी एन जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब बात आती है कि लूसीफर डी एन कैसे इवॉल्व होगा। तो मुझे लगता है लूसीफर डी एन जब शू मतलब शू ने जब लेन वलहाला को तोड़ दिया था, उसका बेबी बर्स्ट कर दिया था, तो लेन वलहाला ने सोचा होगा कि यार मैं तो हार गया, मतलब मैं तो शू से हार गया, तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होगी। तो उसने सोचा होगा कि मैं अपना एक न्यू बेबलेट बनाऊंगा। तो हो सकता है शू से हारने के बाद लेन वाला हाला सोचे कि मुझे एक नया बेबलेट चाहिए क्योंकि मुझे शू को हराना है। तो ऐसा हो सकता है कि शू मतलब शू की वजह से वो एक न्यू बेबलेट बनाए शू को हराने की वजह से। तो और एक थ्योरी है जिससे लेन वाला हाला इवॉल्व कर सकता है। तो हो सकता है हिकार्ड वहीवा का न्यू बेबलेट जो आ चुका है, हेलियस वॉलकेंडो और हाइपीरियंस बर्न्स, तो वो लेन वाला हाला को चैलेंज करे, और हो सकता है उन दोनों की पावर के सामने लेन वाला हाला का बेबलेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब वेरिएंट लूसीफर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसके होने के पूरे पूरे 50% चांस है, और मुझे लगता है जो वर्स्ट थ्योरी है वो सही होगा क्योंकि शू ने उसका बेबलेट बर्स्ट कर दिया था। तो हो सकता है लेन वलहाला को बहुत गुस्सा आया होगा क्योंकि उसको इतनी बुरी हार किसी ने भी नहीं दी है। तो उसने सोचा होगा कि भाई मुझे इतनी ज़्यादा बुरी हार मिली है तो मैं न्यू बेबलेट बना कर इसको हराऊंगा। तो हो सकता है वो एक न्यू बेबलेट बनाए। तो इन दोनों में से थ्योरी में तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना मत भूलना। और हाँ, अगर लूसीफर डीएन की बात हो ही रही है तो ये लो लूसीफर डीएन के इमेज तुम लोगों को मैं दिखाना शायद भूल गया था, ये है लूसीफर डीएन के इमेज। और हाँ, ये बहुत ही लटकल बहुत अमेजिंग है। तो अब हम लोग वहीं अपना डायलॉग बोलने वाले हैं। तो हाँ, अगर इतनी सी इन्फॉर्मेशन तुम लोग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेगुलरली बेबलेट से रिलेटेड कंटेंट पर बात करते ही रहते हैं। और हाँ, अगर तुम लोग बेबलेट फैन हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो जिंदा होने के साथ तब तक बिस्मिल्लाह और खुदा हाफिज़।